लोगों ने जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए ताकि ये कार्यक्रम लगातार चलता रहे। ये बुनकर सम्मेलन कोरी समाज का लगातार चलता रहे, इसके लिए हम सभी लोगों को ऊर्जावान होकर काम करना चाहिए। सामाजिक एकता से हम दुनिया के किसी भी ताकत से लड़ने की शक्ति पैदा कर सकते हैं। जो बाबा साहब की बात हो रही थी, संचित रहो, संचित रहो, संचित रहो, तो संगठन में जी ताकत होती है कि हम बड़े से बड़े काम को अंजाम दे सकते हैं। आज ये बुनकर सम्मेलन हाथरस में हो रहा है, कल हम सब लोग मिलकर इस सम्मेलन को लखनऊ के महामाया पार्क में कर सकते हैं और दिल्ली के मैदान में भी इसको करके अपनी समाज का आगाह करने का काम कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, सामाजिक संगठन से समाज से सत्य तक जाने का भी रास्ता हमारा होना चाहिए। समाज से माननीय विधायिका ने कहा है कि हमें राजनीति में भी आगे आना चाहिए। मैं उनकी बात को दोहराना चाहता हूँ कि समाज से सत्ता तक जाने के लिए आपको अपना खुद का रास्ता बनाना होगा। जो रास्ता आपका बन चुका है, मैं यहाँ से राजनीति की बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं समाज को उत्थान की बात करूँगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो आज हमारी दुर्दशा है, आप तो यहाँ हाथरस के निवासी है, मैं ऐसी जगह को बिलोंग करता हूँ जो बुंदेलखंड में आता है, और बुंदेलखंड में बुनकर समाज का काम, बुनकर धागा का काम जो बुंदेलखंड में मऊरानीपुर विधानसभा में होता है, वो एक एक घर में 33,000 लोग केवल एक ही रानीपुर में रहते हैं, और इससे दुगने मऊ में रहते हैं, और पूरे बुंदेलखंड में लाखों लोग हथकरघा का काम करते थे, आज पावर लूम से काम करते हैं और दो वक्त की रोटी के लिए परेशान रहते हैं। सरकार किसी की भी रही हो, इतनी देर तक लाइट नहीं आएगी। जैसे लाइट आती है वो हम लोगों के मंच को छोड़ के चली जाती है। आप इसको दशा से वाकिफ होना, आपका मेरे द्वारा मैं पहुंचाना चाहता हूँ। आप सोच सकते हैं कितनी दयनीय स्थिति में काम करते हैं। एक जमाना था मऊरानीपुर का कपड़ा विदेशों में बिकता था, मऊरानीपुर का कपड़ा विदेशों में बिकता था, और विदेशी यहाँ आके लाइन लगा के कपड़ा लेते थे। मेरी ससुराल भी, मेरा ममियारा भी, सब वहीं पर है। इतना कपड़ा बनता था कि घर दिखाई नहीं देते थे, घर घर दिखाई नहीं देते थे। चबूतरों पर छाप नहीं लग रहा गया है कि जिस कौम को नष्ट करना हो, जिस कौम को नष्ट करना हो उसके इतिहास को नष्ट कर दो, और जिस कौम को जागरूक करना हो उसके इतिहास को उसके सामने रख दो। इतिहास से प्रेरणा मिलती है, इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति। हम लोगों को आंदोलन करना होगा, हमको राजनीति सत्ता में भागीदारी लेना होगी। आज मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करो, चाहे देश की बात करो, चाहे केंद्र सरकार की बात करो, आपने आयोग सुने होंगे, आयोग सुने होंगे, बहुत आयोग सुने होंगे। अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, बुनकर आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, आयोग ही आज सुने होंगे। वो आयोग कर क्या रहे, वो आयोग आप तक पूरी योजनाएं पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही। लेकिन आपके तो आयोग है, उनके आयोग कहां है जो ऊपर बैठे हैं? अपर कास्ट का कोई आयोग है? नहीं है। अपर कास्ट के पास तो सत्ता है, और सत्ता ऐसी है कि मुल्ला बाटे रेवड़ी मोची पींदे। तो दोस्तों, बगैर सत्ता के आपका भला नहीं होने वाला। आपको मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं, अगर सामाजिक संगठन से, अगर सामाजिक संगठन से समाज का भला होता होता तो मैं दावे के साथ कहता हूं, कांतिराम साहब फंक्शन समाज पार्टी का निर्माण नहीं करते। वो अपने अपने अयरवार समाज की पार्टी, अयरवार समाज के लोगों का, कि हमारे तन का कपड़ा, मन का कपड़ा आज पूरे देश के अंदर, मेरे बुंदेलखंड में 20 आदमी केवल भूख प्यास से आत्महत्या करते हैं, 30 आदमी और 25 आदमी केवल कर्ज लोन से आत्महत्या करते हैं। क्या इसके लिए हमने आजादी ली थी? इसके लिए इंकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, धरती में तुझे चलो, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। क्या ये आजादी हमने ली थी जब खाने के लाले पड़ेंगे, टुकड़े टुकड़े के मोहताज रहेंगे? 2 दिन में 1 दिन खाना बनना चालू हो चुका है, आप कैसे जीवन यापन करोगे? आप शिक्षा की बात कर रहे हो, कहां से पढ़ाओगे? कोई जमाना था हमारे समाज में, हमारे समाज में कुपिया में, लालटेन में, मोम की बत्ती में पढ़ पढ़ के काला मुंह करके DMSP बन चुके और CM डॉक्टर बन चुके। आज 3-4 करोड़ रुपया चाहिए डॉक्टर बनने के लिए। अगर पूरी संपत्ति बेच दोगे, पूरी संपत्ति को, तुम डॉक्टर को छोड़ो बाबू नहीं बना पाओगे, मकान 1 लाख से ज्यादा खाना पड़ जाएगा।
पे आती होगी व्यवस्था। एक लोग 1.5 लाख की तनख्वाह पर काम करते थे, अब 10,000 की मजदूरी मिल रही है। 500 रुपए की मजदूरी के लिए लोग परेशान है। इसलिए दोस्तों, हम जागेंगे तो दुनिया सुधरेगी, हम जागेंगे तो हम समाज को जगा लेंगे। मैं ज्यादा बड़ी बात न कहते हुए थोड़ी सी बात आपके एक और ध्यान दिलाना चाहता हूं। हम इस धरती के मालिक हैं, हम इस धरती के मालिक हैं। मैं ये आपको सिद्ध करना चाहता हूं। 2 मिनट की बात करके मैं अपनी बाणी को प्रारंभ दूंगा। लोगों को भी पता है मेरे बारे में। इस पृथ्वी के ऊपर 100% पानी होता था। आदि मानव काल में जो जानवर की शक्ल में इंसान पैदा हुआ था वो कौन था, मुझे आपसे सवाल करना चाहता हूँ। आदि मानव काल में जो जानवर की शक्ल में इंसान पैदा हुआ था वो कौन था, तो मैं ये बताना चाहता हूँ। इस पृथ्वी के ऊपर 100% पानी हुआ करता था। न जीव न जंतु न पानी न बंगाल न कोई पेड़ न पौधा, इस शोर से शोर तक पानी पानी तराई तराई होती थी। लेकिन कुदरत का खेल अनोखा होता है। कुदरत ने एक करवट ली, जैसे उत्तराखंड में ली थी आज से 7-8 साल पहले। 1-3 मिनट के झटके में 7 लाख आदमी का आज तक पता नहीं है। 7 लाख आदमी का